जम्मू कश्मीर का डोडा जिला पहले कभी आतंकवाद से प्रभावित हुआ करता था, लेकिन अब हर ओर यहाँ शांति का माहौल है और लोग खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारतीय सेना लगातार जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की मदद करती रहती है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसी क्रम में भारतीय सेना ने डोडा जिले में 100 फीट ऊंचा ध्वज लगाया, जो कि न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि वहां रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी गर्व की बात है। जब ध्वज को फहराया जा रहा था तो इस दौरान लोगों का बड़ा हुजूम डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर खड़े हर व्यक्ति की आंखों में देश प्रेम की भावना झलक रही थी। सेना की डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार, राष्ट्रीय राइफल के कमांडर ब्रिगेडियर समीर के पलांडे, डोडा के उपायुक्त विशेष पॉल महाजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब्दुल कयूम ने डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में झंडे को फहराया। मेरे हिसाब से अच्छा एक इवेंट है, आने वाले समय में हमारे को और ज़्यादा प्रोत्साहन देगा। मैं इसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके डीसी साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया लगाने के लिए। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में किश्तवाड़ शहर में इतना ही ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। डोडा की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच यह झंडा क्षेत्र के आकर्षण में 4 चांद लगा रहा था। भारत माता की।